Welcome to my channel. So today we are going to do another latest cue card, that is describe a book that you have read many times. कि कोई भी book को आपको describe करना है कि जो आपने बहुत time से बहुत बार read कर चुके हैं. You should say when you read it for the first time, कि आपने कब इसको पहली बार read किया था. What kind of book it is, ये किस type की book है. What the book is about, किस के बारे में है. एक्सप्लेन वाई यू लाइक टू रीड इट अगेन, और आपको ये दोबारा से रीड करना क्यों पसंद है. वाई यू थिंक इट्स एक्साइटिंग, और ये एक्साइटिंग क्यों है. वेल, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट पास टाइम एक्टिविटीज़. कि बुक्स रीड करना मेरी फ्री टाइम एक्टिविटीज़ में से एक है. ऑल्दो आई हैव रेड वेरियस बुक्स थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी बुक्स को रीड किया है. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर बुक दैट आई हैव रेड सेवरल टाइम्स. कि बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो मैंने बहुत बार रीड की है. आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई टर्न्ड 15 माई ग्रैंड फादर गिफ्टेड मी अ बुक. कि मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं 15 का टर्न हुआ, मेरे ग्रैंड फादर ने मुझको एक बुक गिफ्ट की. व्हेन आई ओपन द रैपिंग पेपर, ठीक है, जब मैंने रैपिंग पेपर ओपन किया, I was astonished. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था. बिकॉज इट वॉज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड टू परचेज फॉर द लास्ट 2 ईयर्स. कि ये वही बुक थी जो मैं पिछले 2 सालों से परचेज करना चाहता था. सो आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई 15th बर्थडे. तो मैंने ये बुक फर्स्ट टाइम मेरे 15th बर्थडे पर रीड की थी. द बुक्स टाइटल इज की टू सक्सेस. अगर बुक के नेम की बात करें, टाइटल की बात करें, तो उसका नाम था की टू सक्सेस. इट वॉज रिटन बाई अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स. और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप में लिखी थी. एंड इफ आई वर टू कैटेगराइज इट, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ आई टॉक अबाउट कैटेगरी ऑफ दिस बुक, आई वुड से, तो मैं कहूँगा इट इज़ एन इंस्ट्रक्टिव एंड मोटिवेटिंग बुक दैट पुशेज इंडिविजुअल्स टू कम्प्लीट देअर वर्क प्रॉपरली. कि एक इंस्ट्रक्टिव मतलब इंस्ट्रक्शन देने वाली, मोटिवेट करने वाली बुक है जो लोगों को पुश करती है ताकि वो अपना जितना भी काम है वो प्रॉपरली तरीके से कम्प्लीट कर सके. इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट, अगर मैं कॉन्टेंट की बात करूँ, दिस बुक इज़ रिलेटेड टू लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. कि जो रियल लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ये बुक है. They have explained various aspects of life in different ways. कि जो authors हैं, writers हैं, उन्होंने life के अलग अलग aspects को, मतलब जो भी life में होता है, जितने भी views से होता है, सभी को अलग अलग तरीके से explain किया, अलग अलग तरीक़ों से explain किया. In fact, they have given examples related to them. मतलब जो भी उन्होंने एक्सप्लेन की है, थ्योरी दी है, उससे रिलेटेड उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हैं. सो पीपल कैन कॉम्प्रिहेंड. कॉम्प्रिहेंड मीन्स अंडरस्टैंड, ताकि जो लोग हैं अंडरस्टैंड कर सके द कंसेप्ट इन अ वेल मैनर, अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ सके. फर्दर मोर दिस बुक टीचेस मैनी मॉरल प्रिंसिपल्स. और साथ में ये जो बुक है वो बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स भी सिखाती है. सच एज लाइक हाउ टू बी डिसिप्लिन एंड पोलाइट. कि पोलाइट कैसे बनना है, डिसिप्लिन कैसे बनना है. हाउ टू स्पीक विद सीनियर्स, सीनियर्स के साथ कैसे बात करनी है. हाउ टू मैनेज टाइम एंड मनी, टाइम और मनी को कैसे मैनेज करना है. एंड हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, और डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है. हाउ टू बी पंचुअल एंड सम लीडरशिप वैल्यूज ऑल्सो. तो ये सारे क्या है, उस बुक के अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स भी सिखाया गया. आप इसमें अपनी मर्जी से 2-3 लाइन्स और ऐड कर सकते हो. आई वॉन्ट टू रीड इट अगेन. मैं इसको दोबारा से रीड करना चाहता हूँ. एज इट मोटिवेट्स मी टू स्टे ऑन ट्रैक. स्टे ऑन ट्रैक का मतलब है कि जो भी मैं अपना गोल्स फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को उसी के ऊपर स्टे करने में हेल्प करती है, मोटिवेट करती है. एज वेल एज वेन एवर आई एम डिप्रेस्ड और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. कि जब भी मेरे को डिप्रेशन होता है या फिर मेरे को लगता है कि ये वाली लाइफ प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, सो इट ऑलवेज शोज मी करेक्ट पाथ टू फॉलो. तो ये बुक है जो मेरे को हमेशा करेक्ट पाथ दिखाती है जो मैं. आई फाइंड इट रियली एक्साइटिंग. मेरे को ये बुक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी लगी. एज इट इंक्लूड वेरियस मिस्ट्री स्टोरीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री स्टोरीज इंक्लूड है इन पजल फॉर्म्स, विच इज़ अ चैलेंज इट सेल्फ टू सोल्व. तो ये बहुत सारी स्टोरी हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ पोर्शन इन दिस बुक विच गिव क्लूज टू कम्प्लीट द स्टोरी, ठीक है. सो इट इसलिए ये एक चैलेंज बन जाता है कि
कैसे हम अपने माइंड को यूज़ करते हैं इस स्टोरी को सॉल्व करने के लिए. ऑल इन ऑल दिस इज़ द बुक विच आई हैव रेड मोर देन 20 times. तो ये वाली बुक है जो मैंने 20 times से भी ज़्यादा रीड कर चुका हूँ. बट स्टिल आई नेवर स्किप अ चांस टू रीड इट. पर जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं कभी भी दोबारा से रीड करने का मौका नहीं छूटता. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.